हाँ साथियों, जिस तरीके से आपने कल का पेपर देखा होगा, 18 फरवरी 2023 को जो KBS PGT ज्योग्राफी का पेपर हुआ है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमें याद रहे हैं वो क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे लिखे हैं। तो देख लो, इसमें से मुझे लगता है कि एक या दो या तीन क्वेश्चन शायद गलत होंगे, तो आप उसमें देख लेना। ओ भाई साहब, ये थोड़ी बात में बेचली मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ज़िंदगी और मौत का सवाल इधर। तो इधर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पूछा गया था, ये बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? तो यह ग्रीक से था। ये तरल अवस्था में बाह्य क्रोड, जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस होता है, जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में होता है। गहराई में ठंडा हो जाता है, वैतुलित जो है ना गहराई में ठंडा हो जाता है, ये सतह तक नहीं पहुंच पाता है। तो अटलांटिक अपसारी है, तो इधर से इधर को ये जा रही हैं प्लेट्स। तो ठंडी जलवायु, ये क्या था, इसमें जलवायु में बैक्टीरिया तेज़ गति से होता है, तो ये गलत था। तो एवरेस्ट में सबसे ऊँचे भाग को क्या कहता है? हॉर्न कहा जाता है। रेडियो तरंग आयरन मंडल आंसर हो गया इसका। वर्षा में काले में गहरे होते हैं। धौलाधार श्रेणी लघु हिमालय का पार्ट है, हिमाचल में। तो करेबा कश्मीर में, सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान में, ये अंडमान है निकोबर में, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है सेंट्रल पीक। दक्षिणी क्षेत्र में पूछा था, तो इसमें कावेरी हो गया आंसर। रोडेंट्रोन पेड़ जो है ये मिलते हैं 3000 से 4000 मीटर तक। मृदा ऐसी पूछा था कि जिसमें जो है निक्षालन सबसे ज़्यादा होता, तो लेटराइट मृदा हो गई। आपदा दशक पूछा था, तो 1990 से 2000 के बीच में। कच्छ क्षेत्र अति उच्च जोखिम क्षेत्र है, जो 5 के अंदर आता है। सामाजिक भूगोल चिकित्सा भूगोल का इसका भाग है। घंटी आकार का पिरामिड जो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है। ILO न्यूनतम आवश्यकता उपागम को इसने जो SDI में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी थी। मध्य अमेरिका मिल्पा है। प्रति एकड़ उत्पादन विस्तृत, ये क्या था, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन सबसे कम कौन सा होता है? विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, डेयरी कृषि में, ये उत्तरी यूरोप में मान सकता है, न्यूजीलैंड में मान सकता है इसका आंसर। स्वर्ण क्षेत्र में सलाहकार हो गया। उस प्लाटा दर्रा यूरोप, ब्रेड ट्रेडमार्क ये कौन सा था? उत्तरी अटलांटिक मार्क। CIS का ऑफिस ये मिन्स्क हो गया। WTO 1995। मेगापोलिस गॉट मैंने दिया था, डली राजा छत्तीसगढ़ में था, काकरापारा गुजरात में। अभी इसके कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम दिखाते हैं आपको। कुछ क्वेश्चन ये थे। दूसरा पूछा था कि ये नेशनल वाटरवेज 3 कहाँ पर है? केरला में है। कोच्चि पोर्ट कहाँ पर है? मालाबार तट में। जल प्रयोग, ये कुछ ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, 60% होता है। सर्वाधिक जल प्रयोग कहाँ पर होता है? भारत में, ये है कृषि क्षेत्र में। जल उपकर अधिनियम 1977, कुछ लोग गलत फहमी में 1974 जल संरक्षण अधिनियम मान रहे हैं, वो संरक्षण अधिनियम है वो। पंचवर्षीय योजना में किसमें पर्वतीय विकास की बात की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। स्टुअर्ट मार्क कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये यूरोपियन का है, तो ये गलत था ये। तो एक पूछा था कि अगर एक अगर सपोज करो यहाँ पे मैं इस पे जो है ये 1 बज रहा है, तो हमारे किस क्षेत्र में 6 बजेंगे? तो इसका जो था 105 डिग्री पश्चिम में था। चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं? ये अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। जनसंख्या प्रथम अवस्था में क्या होता है? उच्च जनदर और मृत्यु दर होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पूछा था CWG। अटलांटिक में मिलने चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। विश्व जनसंख्या नगरों में कितने निवास करती है? 56%। ताप हाजिर तो आपको पता ही है, NCERT का क्वेश्चन है, 6 डिग्री ये 5 मिनट वाला। निवल बोया गया क्षेत्र कितना था भारत में 2014-15 में पूछा था? तो 140 मिलियन हेक्टेयर। IRSA ये कब लॉन्च किया गया था? ये 1988 में। स्थल, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी जो है ठंडा हो जाता है। बरसात परिवर्तन राजस्थान था। मानव उत्पत्ति प्लेस्टोसीन है इसका NCERT का क्वेश्चन, लेकिन ये हिंदी में अधिनूतन कहते हैं। तो नदी स्थलाकृति वृद्धावस्था में कौन सा निर्माण होता है? इसमें ओल्ड एज में पूछा था, तो ये नदी विसर्प। बाकी सारे मतलब जलप्रपात वगैरह ये ऑप्शन दे रखे थे, वो सीखे थे वो युवावस्था के। तो खाद्य संरक्षण के कनाडा क्षेत्र में उत्तरी अमेरिकन इस टाइप का एक ऑप्शन दे रखा था। विषुवती पवनों का दूसरा नाम क्या था? पूर्वी पवन है। प्रबाल एक अटॉल मतलब क्या क्या सबसे ज़्यादा इस तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों पूछा था 2014-15 में कि भारत में ये किन में से प्रथम उत्पादन होता है? गेहूँ और चावल में तो हो नहीं सकता, चावल में भी नहीं था, ठीक है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए उसके। तीसरा एक गन्ने में, तो गन्ने में भी नहीं था उस टाइम। जूट एक ऑप्शन था, टिक जा सकता था। उसागर क्षेत्र क्यों सबसे ज़्यादा घनाभसा हुआ? तो यहाँ औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा है। कर्क रेखा नहीं गुजरती मणिपुर से। ये दोस्तों या तो GS में पूछा करते हैं, ज्योग्राफी में पूछा करते हैं, ये क्वेश्चन था। जोगप्रपात सरावती नदी ये कर्नाटक वाला। श्रीशीलम अभयारण्य ये कर्नाटक का मैच दफर में गलत था, ये आंध्रा में है ये, ठीक है आंध्रा में। ध्वनि प्रदूषण ये वायुमंडलीय कारण, इसमें एक डसन यूनिट वगैरह दे रखा था कि इसमें आते हैं,
तो हॉटस्पॉट नहीं है ये, जो है टुंड्रा क्षेत्र में हॉटस्पॉट। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लेते हैं हम। ये उत्तरी अटलांटिक में अधिक लवणता क्यों है? तो ये गर्म महासागरीय धारा की वजह से, जो गल्फ स्ट्रीम है उधर से ये पानी को बहा कर ले जाती है इधर, है ना, तो गर्म जल को जो इधर लवणता बढ़ जाती है। भौगोलिक चिंता है फ्लोस्पी दर्शन जो इसका भाग है। जनसंख्या 3 से 4 मिलियन हुई 15 वर्ष में। मरुस्थलों पर उच्च ताप होता बादल न होने की वजह से। नेलोर आंध्र प्रदेश का है। ब्रुकन हिल ऑस्ट्रेलिया में। अक्षांश में बढ़ने पर ताप जो है इतने के हिसाब से घटता है। तो अब दोस्तों जनरल देखो, कुछ लोग क्या होते हैं जो ज़्यादा पहली बार ज़िंदगी में पेपर हाथ में लगा हुआ होता है, पेपर दे के आ रहे होते हैं, तो क्लास से निकलते के साथ ही तो उनका जो है स्कोर, सपोज़ करो कि 180 का हमारा पेपर था तो उनका स्कोर बन रहा होता 160+। अभी थोड़ा ऑटो में बैठेंगे तो 5 स्कोर कम हो जाता, फिर मेट्रो पकड़ी या कोई बस पकड़ी तो 5 स्कोर वहाँ कम हुआ, तो घर तक पहुँचते वो 140 तक आ जाते हैं। ठीक है, जो बड़े तुरमखा होते हैं ना, वो उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, जो आप देख रहे हो भाई वो अलग ही लेवल के होते हैं वो। और जब आंसर की आती तो इनका स्कोर जब आता ना 110 के या 15 के बीच में, तो फिर ये मान के चलते कि यार अब जो है हमारा मतलब काम ख़राब हो गया। भाई ऐसा नहीं है, देखो सारी चीज़ें कभी छोटी मोटी गलतियाँ सबसे ही होती हैं, इंसान है यार, ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन जो स्कोर लग रहा पिछली कट ऑफ को देखते हुए, जो मुझे लगता है भाई, देखो इसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है कि आंसर इधर उधर हो गया तो, बट ये 65 के अराउंड क्वेश्चन है। आप 15-20 क्वेश्चन और देख लो तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें। कुछ आपको लग रहा हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो किसका आंसर कुछ गलत है तो, बट मैं आपको इसकी कट ऑफ एक जनरल मैं बता रहा हूँ कि इतनी रह सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है इतने में। जनरल कैटेगरी के लिए 115 और 125 के बीच में अगर किसी के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए उसकी। ओबीसी में 110 और 115 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 112 और 18 के बीच में, एससी 108 110, एसटी 100 और 105 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि इतने पर अगर इंटरव्यू कॉल आती तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो मान के चलो कि 125 वाला जो है वो अपने आप को समझे कि हाँ अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।